हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आटे का पुआ बनाना बताऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। मैदे का भी पुआ हमने बना रखा है, पर आटे का पुआ बहुत हेल्दी होता है। इसे बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं और ये आसानी से बन जाता है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए हम आटे का पुआ बनाना शुरू करते हैं। आटे का पुआ बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 कटोरी गेहूं का आटा। ये 200 ग्राम आटा है। 100 ग्राम हम शक्कर लेंगे, 1 चम्मच सौंफ और तलने के लिए हम वेजिटेबल ऑयल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और उसमें हम गेहूं के आटे को डाल देंगे। आटे को हमने छान के रखा है, छानना जरूरी होता है। और आटे में हम शक्कर को मिक्स करेंगे। तो आप मीठा अपने अनुसार थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकती हैं। ज्यादा मीठा खाना है तो 4 चम्मच और बढ़ा दीजिए, कम खाना है तो 4 चम्मच कम कर सकते हैं। और ये सौंफ जो है इसको हमने हथेलियों पे मैश लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जरूरत पड़ने पर हम कम ज्यादा कर लेंगे। अब हम एक विक्स के सहारे इसको मिक्स करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम इसे चलाते हुए धीरे धीरे घोल को तैयार करेंगे। पुए का घोल आप सबको पता होगा, पकौड़े के घोल के जैसा ही बनता है। और जिसे नहीं पता होगा वो जान जाएंगे कि कैसे हम घोल तैयार करते हैं। तो घोल को हमें एकदम आराम आराम से 3 से 4 मिनट तक ऐसे फेंटना है। बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए। घोल काफी गाढ़ी है, इसमें हम और पानी ऐड करेंगे और इसे हम धीरे धीरे ऐसे घोलेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे 4 मिनट तक कंटिन्यू घोले हैं। तो इतना बेटर तैयार करने में हमने 1.5 ग्लास पानी लिया है। घोल तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी हम आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल पकौड़े के घोल के जैसा होना चाहिए, तभी पुआ अपना जो है अच्छे शेप में तैयार होता है। अब हमें क्या करना है, इसे ढक के आधे घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है। तो हम आधे घंटे बेटर को रेस्ट करने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम बेटर चेक कर लेते हैं। तो हम ढक्कन को हटा के और एक बार बेटर को चेक करेंगे। बेटर अपना फूल चुका है। घोल को हम अच्छी तरह फेंटेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी घोलने के बाद कितना बढ़िया ये गिर रहा है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने तेल रख लिया है, अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम थोड़ा सा घोल डाल के बेटर को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं घोल डालने के तुरंत बाद अपना घोल ऊपर तैरने लगा, यानी कि पुआ के लिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पुआ डालना शुरू करेंगे। तो हम 1 चमची घोल लेंगे,
ज्यादा नहीं लेना है और पीछे से हम ऐसे पोंछ देंगे। फिर हम इसको तेल में धीरे से छोड़ेंगे। तेल में छोड़ने के बाद हमें 1 मिनट तक इसे छूना नहीं है। 1 मिनट बाद हम फिर पोहा को टर्न करेंगे। पोहा अपना फूल के ऊपर तैरने लगा है। तो हम इसे एक बार ऐसे टर्न कर लेंगे और दोनों साइड से हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पुआ को सेंक लेंगे। पुआ को बीच बीच में हम ऐसे प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा अंदर का बैटर जो है वो भी अच्छे से पक जाएगा। बीच में का रहने का बिल्कुल चांसेस नहीं रहता है ऐसे प्रेस कर देने से। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से पुआ का कलर ब्राउन हो गया है। अब हम चमची की मदद से इसे निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा तेल हम गिर जाने देंगे। फिर हमने एक प्लेट पे टिश्यू पेपर रख लिया है। अब हम इस प्लेट पर पुआ को ऐसे निकाल लेंगे और तो हम इसी तेल में फिर दूसरा पुआ डालेंगे। एक एक चम्मच हम घोल लेंगे और धीरे धीरे पुआ को हम तेल में छोड़ते जाएंगे। इसमें अपने आप से तैयार हो जाता है क्योंकि अपना बेटर जो है एकदम पकौड़े के घोल के जैसा तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर पुआ तेल के ऊपर तैर के आ जा रहा है। तो इसे हम उलट लेंगे और इधर भी हम 1 मिनट तक पका लेंगे। बीच में हम धरने की मदद से पुआ को प्रेस करेंगे। प्रेस करने का रीजन हमने आपको बता दिया, अंदर जो घोल होता है वो अच्छे से पक जाता है, कच्चा रहने का बिल्कुल चांसेस नहीं रहता है। तो हमें ब्राउन होने तक ऐसे ही प्रेस करते हुए पुआ को पकाना है। अब देखिए कितना बढ़िया पुआ फूल के, इतनी अच्छी तो पूरी भी नहीं फूलती होगी जैसे हमारे पुआ फूल रहे हैं। और खाने में तो बड़े बच्चे सब पसंद करते ही हैं, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं पुआ अपना दोनों साइड से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अपनी पुआ जो है एकदम फूल के ऊपर तेल में तैरने लगी है। अब हम इसको ऐसे उलट देंगे। इतना सुंदर पुआ फूल के तैयार हुआ है। तो हम मीडियम फ्लेम पे दूसरी साइड से भी इसे सेंक लेंगे। बाकी के पुआ भी डालेंगे। आटे का पुआ बनकर तैयार है। आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है और ये हेल्दी भी है। बच्चे बड़े इसे सब पसंद करते हैं। इसे हम कोई भी फेस्टिवल भी बना लेते हैं, जैसे होली है, करवा चौथ है, गणेश चौथ है या तीज व्रत है। इसे हमारे उत्तर प्रदेश में हर